और हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ चुकी हैं आईपीओ कॉर्नर। देखिए इस हफ्ते पूरे हफ्ते आईपीओ मार्केट प्राइमरी मार्केट में भी जबरदस्त एक्शन दिखेगा क्योंकि 7 आईपीओ इसी हफ्ते आने वाले हैं, तो साल का जो अंत होगा उसमें प्राइमरी मार्केट में भरपूर एक्शन हम देखेंगे। लेकिन 7 आईपीओ आ रहे हैं तो सब में तो पैसा नहीं लगा सकते, अब इसमें कौन से आईपीओ बेहतर नज़र आ रहे हैं, कहां पर पैसा लगाएं, सभी 7 आईपीओ का एक 360 डिग्री एनालिसिस हम आपके सामने करने की कोशिश करेंगे और उसमें हमारी मदद करेंगी आस्था जैन। आस्था थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो व्यूअर्स काफ़ी ध्यान से सुनेंगे आपको क्योंकि आईपीओ मार्केट में तो हम देख रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं। और हमने जब पिछले हफ्ते आपसे बात भी की थी आपका ये भी कहना था कि आगे और भी आईपीओ आने वाले हैं उस पर भी आप नज़र रखिए, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इस आईपीओ के बारे में शुरुआत करते हैं। हम आपको थोड़े इसकी डिटेल्स दे दें। 18 दिसंबर यानी कि आज से ये आईपीओ खुला है। 960 करोड़ का इसका आईपीओ साइज़ है। कंपनी अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो चौथी बड़ी लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है भारत में। कुछ की फिगर्स भी आपके सामने आएंगे लेकिन आस्था से समझने की कोशिश करेंगे। आस्था कैसी लग रही है आपको ये कंपनी, ओवरऑल आईपीओ पर आपका क्या व्यू बन रहा है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो क्योंकि ये एनबीएफसी है बेसिकली और माइक्रो फाइनेंसिंग में, और इनका जो मेजर टारगेट ग्रुप है वो विमेन रहता है और मोस्टली ये जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे ये फोकस्ड कंपनी है। अगर आप देखेंगे सदर्न स्टेट्स में, मैं एक डेमोग्राफिक आपको बताती हूँ बात की, वहां पे जो विमेन होती है ना स्पेशली काफी हार्डवर्किंग होती है। और मैं ये बात अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो जीएनपी और एनएनपी रेशियो है मैं उनसे कनेक्ट करके ये बात बता रही हूँ कि वहां पे आपके जिसे हम कहते हैं कि ये सॉल्वेंसी के इश्यूज हुए या फिर जीएनपी या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हुए ये कम टर्न होने की संभावना रहती है क्योंकि विमेन इनकी मेन जो है वो कस्टमर रहती है। जिस तरह से कंपनी यहाँ पे अपना आईपीओ लेके आ रही है तो अभी जो भी ऑफलिक जितनी भी आईपीओ आए पूजा, हमने एक चीज अच्छी देखी है कि प्राइसिंग अब सब ठीक ठाक कर रहे हैं। अगर मैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस की भी बात करूँ तो 1.64 प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये लेके आ रहे हैं। ये मैं पोस्ट इश्यू बुक वैल्यू की बात कर रही हूँ जहां मैंने पोस्ट इश्यू इक्विटी को कंसिडर किया है, तो प्राइसिंग वाइज क्योंकि मुझे ये ठीक ठाक लगती है। और मुथूट पापाचेन ग्रुप की ये कंपनी है तो देखिए ग्रुप का भी बहुत बड़ा यहाँ पे फर्क पड़ता है, तो उसकी वजह से इनके जिस तरह से इनका जो लाइबिलिटी पूरा इनका जो फ्रेंचाइज है वो भी बहुत सॉलिड है क्योंकि ये बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये आईपीओ। लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें, लेकिन ठीक ठाक लिस्टिंग गेन के लिए मैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ में लगाने की सलाह दूंगी। तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म गेन के लिए अगर किसी का पर्सपेक्टिव हो तो यहाँ पे नजर बनाई जा सकती है। ठीक है, तो मुथूट माइक्रो पर आप लॉन्ग लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए आप नज़र रखें। ज़्यादा गेन तो नहीं होगा आपको, लिस्टिंग का फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इनके लोन बुक की ग्रोथ देखिए, काफ़ी शानदार ग्रोथ, लोन में 8,104 करोड़ की बुक पहुँच चुकी है। और एयू में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है FY23 में। तो लगातार ग्रोथ करती हुई कंपनी है और माइक्रो फाइनेंस स्पेस में अपने स्पेस की लीडर है, तो इस कंपनी पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अगला आईपीओ जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है सूरज एस्टेट का। सूरज एस्टेट के कारोबार के बारे में आपको बताएं तो इनका साउथ सेंट्रल मुंबई में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट पर फोकस है। और इस कंपनी का भी जो आईपीओ है वो आज से खुला है, 20 तारीख तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो है वो 340 से 360 रुपए का तय किया गया है। कंपनी करीब करीब 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आस्था सूरज एस्टेट के आईपीओ पर अपनी राय दीजिए। देखिए पुरानी कंपनी है, सिंस 1986 है और आपने जिस तरह से बताया बिल्कुल ये बॉम्बे फोकस्ड जिसे कहते हैं स्पेशली साउथ बॉम्बे फोकस्ड है, माहिम दादर माटुंगा ये सब है, तो इनकी एक्सपर्टीज है देखिए टेनेंट सेटलमेंट और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, तो बेसिकली फोकस ये हम कहेंगे कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके है। और देखा जाए तो वहां पे असेट लाइट मॉडल भी होता है क्योंकि इतनी बड़ी कुछ कैपिटल या केपेक्स तो करनी पड़ती नहीं है, एक्विजिशन ऑफ लैंड कॉस्ट वेरी हाई होती है, देखा जाए तो रियल एस्टेट कंपनी के लिए वही सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, पर ये तो रीडेवलपमेंट में है तो एक तरह से असेट लाइट मॉडल भी है। अगेन जिस तरह से मैंने पहले भी चर्चा की मुथूट माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ में कि अभी के आईपीओस में मुझे प्राइसिंग ठीक लग रही है, सेम इज द केस सूरज एस्टेट डेवलपर्स भी मुझे ऐसा लगता है
प्राइस बैंड पे ला रहे हैं, 660 हायर साइड पे है, वो 29 प्राइस टू इक्विटी मल्टीपल सॉरी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रही है। तो पीई इनका 29 है जो कि रीजनेबल लगता है, स्पेशली जो मैंने ग्रोथ भी यहाँ पे देखी है तो स्ट्रॉन्ग सीएजीआर ग्रोथ है एज कम्पेयर टू पीयर्स। यहाँ पे मैं टॉप लाइन बॉटम लाइन सबकी बात करूं तो मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, यहाँ पे भी लगाने की सलाह है। अगेन लिस्टिंग गेन ठीक ठाक होंगे, जैसे मैंने मुथूत में भी बोला कि बहुत बड़े बड़े नहीं, क्योंकि आपने देखा टाटा टेक्नोलॉजीज और बाकी जिस तरह के पिछली जो कुछ लिस्टिंग हुई है वहां पे जबरदस्त लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले, तो उतने बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें। डिसेंट लिस्टिंग गेन जिसमें कि 15% के आसपास, 10 से 15% या उसके ऊपर के जो हम गेन बोलते हैं वहां तक लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा क्योंकि मुझे इनके मार्जिन काफी ज्यादा पसंद आए। तो अब क्योंकि आईपीओ की बाहर आई हुई और आज तो हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, कल फिर 3 आईपीओ खुलेंगे पूजा, और परसों वापस एक आईपीओ है, और इनफैक्ट उसके अगले दिन भी आईपीओ है, तो बहुत सारे आईपीओ। तो सभी दर्शकों को निवेदन है कि अभी, क्योंकि देखिए फंड सबके पास लिमिटेड रहते हैं, इतने सारे आईपीओ है कहाँ लगा जाए वो एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है। और अभी वैसे तो T+3 में यहाँ पे लिस्टिंग होना चालू हो गया, लेकिन फंड्स की अनब्लॉकिंग कब तक होगी ये भी पूरी मैथमेटिक्स एक तरह से कैलकुलेशन करके यहाँ पे फंड्स लगाने लगाए जाते हैं। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगी कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितने भी फंड हो उसमें टॉप प्रायोरिटी रख के लगाइए। ये दोनों आईपीओ ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन आने वाले आईपीओ और भी अच्छे रहेंगे। तो अब आप अपने फंड्स का देखिए किस तरह से एलोकेशन करना है, पर अगर आपके पास पूरे फंड्स हैं तो ये दोनों आईपीओ में भी मैं लगाने की सलाह दूंगी, लेकिन ठीक ठाक लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही लगाइए। बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद दोनों आईपीओ में ना करें क्योंकि बहुत अच्छे आईपीओ अभी लाइंड अप हैं आगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने आस्था, और इन दोनों आईपीओ को लेकर व्यू यही है कि आप पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों कंपनियां अच्छी लग रही है, लेकिन बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें। ये बार बार आस्था आपको हाईलाइट करी थी। अरे आईपीओ जिस पर की चर्चा अभी भी बाकी है, आस्था हमारे साथ बनी हुई है। आस्था, हमने आज जो आईपीओ शुरू है उन पर तो चर्चा की, सूरज एस्टेट और मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इसके अलावा कल जो आईपीओ आने वाला है वो है हैप्पी फोर्जिंग्स का, इसके बारे में भी कुछ बताइए। डिटेल्स हम दर्शकों के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 808 से 850 का प्राइस बैंड है जिसके जरिए कंपनी की 1009 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। हैप्पी फोर्जिंग्स का कारोबार आस्था कैसा लग रहा है आपको, और आईपीओ पर क्या सलाह देंगी? कि इस आईपीओ में सब्सक्राइब की रेटिंग है और अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाए। ऑल दो कल खुलेगा लेकिन हम आज ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे रिटेल क्लाइंट्स हैं मैं चाहती हूँ कि वो एक बार पूरा एक रैंकिंग किस तरह से है और फिर अपने फंड्स को उसी तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ हैं, कम से कम नहीं तो ये हफ्ते 8 आईपीओ हैं। तो अच्छी है फोर्जिंग्स सेक्टर की ये कंपनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, और सबसे बड़ी बात जो वैल्यूएशन जिसपे ये ला रहे हैं पीई मल्टीपल वो भी मुझे डिसेंट लग रहा है, 29 के पीई मल्टीपल पे ला रहे हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग्स को अगर मैं हटा दूं तो उसके बाद जो भी इनके पेयर्स हैं उसमें इनके फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा मजबूत हैं, तो इस आईपीओ में लगाने की सलाह है। अगर किसी को रेटिंग देनी है तो मैं हैप्पी फोर्जिंग्स को पहले नंबर पे रेटिंग दूंगी, दूसरे नंबर पे अभी तक जो हमने 3 डिस्कस किए हैं अभी अगर सिर्फ उन्हीं की रेटिंग की बात करें तो पहले नंबर पे हैप्पी फोर्जिंग, दूसरे नंबर पे सूरज एस्टेट और तीसरे नंबर पे मुथूट माइक्रो है, जो ऑल अभी 3 की यहाँ पे डिस्कशन हुई है उसके हिसाब से ये रैंकिंग दी जा रही है। बिल्कुल, तो हैप्पी फोर्जिंग्स है इस वक्त टॉप पर, आप इस पर पहला प्रेफरेंस देखिए पैसे लगाने के लिए। आस्था, दो और आईपीओ खुलेंगे, दोनों पर एक साथ ही अपनी राय दीजिए। एक तो है आरबीजी ज्वेलर्स, 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, और केड्रो ब्रांड्स मार्केटिंग, इस कंपनी का भी आईपीओ कल खुलेगा। ये दोनों कंपनियों के कारोबार कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए जो क्रेडो ब्रांड है वो बेसिकली मुफ्ती के नाम से, अगर आपने देखा हो तो मेंस वेयर में उनका पूरा ब्रांड आता है और बढ़िया परफॉर्मेंस हमने वहां पे भी देखी है। तो क्योंकि डिटेल डिस्कशन हम आगे भी कर सकते हैं इन पे, लेकिन रेटिंग देनी है रैंकिंग देनी है सबको इसको डिसाइड करने के लिए, मैं बताना चाहूंगी कि ये वैल्यूएशन भी अच्छे पे लेके आ रहा है तो यहाँ पे भी लगाने की सलाह है। हैप्पी फोर्जिंग्स हमारी टॉप लिस्ट में ही रहेगा, सबसे पहले हैप्पी फोर्जिंग्स में लगाएं, दूसरे नंबर पे चाहें तो क्रेडो को रख सकते हैं मुफ्ती के ब्रांड के नाम से जो इनका मेंस वेयर में चलता है, तीसरे नंबर पे सूरज और चौथे नंबर पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस। अभी तक हमने जितने भी आईपीओ पर चर्चा की है उसमें हैप्पी फोर्जिंग्स अच्छा लग रहा है, और क्रेडो
ये भी कंपनी क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग, ये कंपनी भी अच्छी लग रही है। यहाँ पर भी आप लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर किसी कंपनी में नज़र रखनी है तो उस लिहाज से मुथूट माइक्रो फाइनेंस और सूरज एस्टेट्स भी अच्छा लग रहा है। इन तमाम आईपीओ पर आप नज़र रखिए। लिस्ट लंबी है, इसमें एक आईपीओ और था मोती सन्स ज्वेलर्स, इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। रवि, आपसे समझना चाहेंगे इस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ भी आज ही खुला, जो प्राइस बैंड है वो 52 से 55 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कैसी लग रही है आपको ये कंपनी और आईपीओ पर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, फिलहाल तो इस समय में एक स्टैटिस्टिक्स अगर बताऊं तो ये देखिए कि जितने भी मेन बोर्ड के आईपीओ आ रहे हैं उनमें अगर एक बार को नंबर्स आप देखें तो क्लियर होता है कि आईपीओ मार्केट का कितना दबदबा है। करीब 47 आईपीओ आ चुके हैं जिसमें 47 प्रॉफिटेबल रहे हैं और अभी भी प्राइसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। अब इस समय अगर देखते हैं तो आपने बिल्कुल सही बताया, अभी ज्वेलरी के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर मोती सन्स ज्वेलरी का जो आईपीओ आ रहा है इसको अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखिए 52 से 55 रुपए का इन्होंने बैंड दिया है और मुझे लगता है कि इसमें आपको लिस्टिंग गेन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन सबकी कंप्लेन ये होती है कि आईपीओ मिलते नहीं है। हमेशा आईपीओ अप्लाई करिए तो 2-1 रुपए मत देखिए, हमेशा अपर बैंड पर अप्लाई करिए। अब इसके फंडामेंटल की नजर डालते देखिए, कंटिन्यूअस क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो इस कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को स्टेबल रखा है, इंक्रीज किया है और बोरोइंग भी काफी हद तक स्टेबल रही है। तो नंबर्स के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है और प्राइस रेंज आपको 50 से 52 रुपए का आईपीओ का साइज मिले तो बहुत अच्छा है। क्लाइंट और कस्टमर काफी इनके स्ट्रांग है। दूसरी तरफ है कि फंडामेंटल ज्वेलरी सेगमेंट में काफी अच्छा दबदबा भी है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको भी आप अप्लाई के लिए देख सकते हैं और इस समय तो तेजी का माहौल चल रहा है तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ज्वेलरी कंपनी के भी आईपीओ काफ़ी ढेर सारे आ रहे हैं और सभी आईपीओ पर आपको एक एक करके राय दे दी गई है। आप अपने फंड्स के अकॉर्डिंग, जो सेक्टर आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर निवेश, आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। आस्था और रवि दोनों की ही राय आपके हमने सामने रखी एक एक करके। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था जी, रवि जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को आसान भाषा में समझाने के लिए कारोबार के बारे में उनकी मदद करने के लिए।